हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत ही जल्द आपको सिद्धार्थ शुक्ला नज़र आने वाले हैं डांस दीवाने 3 के सेट पर। और कुछ पिक्चर्स और वीडियोस आई हैं जिसमें दिख रहा है कि जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला एंटर करते हैं तो माधुरी ने उनका सीटी बजा के स्वागत किया और कितने प्यार से उनका वेलकम किया है। और इसमें उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सीन भी इनेक्ट किया जाता है। और सिद्धार्थ शुक्ला ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 की सक्सेस के बाद अब ऑल दो वैसे ही बहुत बहुत बड़े स्टार बनते जा रहे हैं। और उनकी एक्टिंग दमदार ही नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे एक नए शाहरुख खान ने इंडस्ट्री में जन्म ले लिया है। तो क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है, उनके हर एक इमोशंस को दिखाने का तरीका, वो इतना ज़्यादा इंटेंस है, बिल्कुल जैसे शाहरुख खान की अपनी एक्टिंग में अपना जान लगा देते हैं, तो वही इंटेंसिटी सिद्धार्थ शुक्ला में भी देखने को मिलती है। और जब इन दोनों के बीच में, माधुरी और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में ये सीन इनेक्ट किया गया, रोमांटिक सीन, और वो प्यार से उनके हाथों में कंगन पहनाते हुए दिखाई दिए, तो वहां जितने भी बंदे थे वो तालियों से उनका अभिनंदन करने से रुके नहीं। और वो सब भौचक्के रह गए, क्योंकि वो जो गूज़बम्प्स थे उस रोमांस का, उस फील का अनुभव हर किसी को वहां पे हो रहा था। और आप भी देखेंगे तो जरूर आपको उस चीज का एहसास होगा कि कितने प्यार से, कितने नजाकत से सिद्धार्थ शुक्ला ने माधुरी को वो कंगन पहनाया और कितनी खूबसूरती से वो एक्ट जो है इनेक्ट किया है उन दोनों ने ही। और उसके बाद उनके माधुरी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे डांस परफॉर्मेंस दिए और इतने खूबसूरत डांस को देख के सिद्धार्थ शुक्ला भी खड़े होके तालियां बजाते हुए दिखाई दिए। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, कलर्स में ये आने वाला है और बहुत जल्दी डांस दीवाने 3 पे आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ शुक्ला। देखना मत भूलिएगा, इन दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया है, आपको बिल्कुल वो रोमांस और वो फील, वो इमोशंस जाग जाएंगे और मज़ा आ जाएगा इस एपिसोड को देख के। तो मिस मत कीजिएगा, कलर्स पे आएगा डांस दीवाने 3, ज़रूर देखिएगा।